तो वीवीए के माइक्रो प्रोग्रामिंग में हम बात कर रहे हैं आपके साथ नेस्टेड इफ का। नेस्टेड इफ मतलब कि मल्टीपल कंडीशन कैसे यूज की जाती है। तो अभी एक्सेल एक्सेल सीट पे आपके सामने दिख रहा है कि मुझे 50 to 80 हुआ तो 800 का देना है। तो लास्ट क्लास में इसके लिए हमने जस्ट क्या किया था, इफ कंडीशन लगा, इफ के साथ हमने एंड लगा लिया था, राइट। हमने किया था यहाँ पे फोर आई इक्वल टू चले 2 2 हमने बोला था कि रेंज ए 65,000 डॉट एंड एक्सलेस अप डॉट रो, ये ऑटोमेट हो जाए और नेक्स्ट आई हमने यहां पे कर दिया। और यहाँ पे कंडीशन दिया, अब यहाँ पे मैं वेरिएबल्स का इस्तेमाल भी कर सकता हूँ कि डिम आर एज ए लॉन्ग। और यहाँ पे एस कॉमा आर कर देता हूँ, एस कॉमा यहाँ पे करता हूँ आर इक्वल टू रेंज, रेंज में मैंने ए के साथ आई को कंबाइन करके डॉट वैल्यू लोड कर दिया और कहता हूँ कि इफ आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50 एंड आर इज लेस देन इक्वल टू 80, then हमने यहाँ पे नेक्स्ट आई नेक्स्ट आई नेक्स्ट एंड लिखो है ना, एंड देन हमने क्या किया, सिंपल एस यहाँ पे एस नहीं देते, डायरेक्ट दे देते हैं कि रेंज बी के साथ हमने आई को कंबाइन किया, यहाँ पे दिया डॉट वैल्यू इक्वल टू हमने दिया 800। इसमें एल्स वगैरह है नहीं तो सिंपल हमने छोड़ दिया। अब जैसे इसको हम यहाँ रन करेंगे आप देखेंगे हमारी वैल्यू आ गई। तो एंड का यूज हमने यहाँ पे किया यहाँ पे मेरे पास थोड़ा सा कंडीशन चेंज हो गया। मैं यहाँ बोलता हूँ कि लेस देन 50 हुआ तो 100 और ग्रेटर देन 80 हुआ तो 200 देना है, ठीक है। अब यहाँ पे एंड नहीं लगा सकते ना, तो इसके लिए क्या करेंगे, तो इसके लिए हम यहाँ पे नेस्टेड इफ मतलब कि एक इफ के साथ दूसरा इफ लगाएंगे। तो सब्जेक्ट इफ अंडरस्कोर टू दूसरा इफ का कंडीशन यहाँ लगा रहे हैं और यहाँ दे रहे हैं कि फोर टू टू ए जो ऊपर से कॉपी कर लेता हूँ, क्या दिक्कत है। और यहां पे नेक्स्ट आई और यहां पे हम वेरिएबल भी ले लेते हैं कि डिम एस कॉमा आर एज ए लॉन्ग। तो यहां पे हम करते हैं s इक्वल टू रेंज, रेंज के साथ a i ले लिया डॉट
वैल्यू, और फिर यहाँ पे कंडीशन देते हैं कि इफ एस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50 देन, यहाँ पे एल्स और लगेगा और यहाँ पे एंड इफ होगा, ठीक है सर? राइट सर। और यहाँ पे हम एक और इफ लगाएंगे कि इफ एस इज लेस देन इक्वल टू 80 देन, देन अब ये दो कंडीशन पूरा हुआ तो हम यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे आर इक्वल टू 800 एल्स आर इक्वल टू 200 और यहाँ पे एंड इफ, और यहाँ पे करेंगे आर इक्वल टू 100। समझ गए सर? हाँ राइट सर। समझ आया कि नहीं सर आपको? हाँ समझ। हमने यहाँ पे दो इफ को मिक्स किया, मतलब कि एक इफ तो ये लगा पहला और उसी के अंदर हमने एक और इफ यहाँ पे लगा दिया, ठीक है सर? राइट। रन कीजिए, एक्चुअली रन कैसे करेंगे, यहाँ पे हमें अपना रिजल्ट भी तो देना है ना, तो बी के साथ हमने आई किया डॉट वैल्यू इक्वल टू आर, क्योंकि आर पे रिजल्ट स्टोर हो रहा है, आ गया सर? राइट। अब चलिए इस पे तीसरा कंडीशन, तीसरी कंडीशंस को देखते हैं यहाँ पे, जैसे कि यहाँ हमारा सैटरडे संडे था, राइट, डे था, मैंने बताया था यहाँ पे सैटरडे संडे, तो यहाँ पे सैटरडे संडे लेके नीचे तक ड्रैग कर देते हैं, और यहाँ ऑफिस, यहाँ पे ऑफिस को बारे में स्टेटस देना है कि अगर सैटरडे हुआ तो हाफ डे, संडे हुआ तो ऑफ, और मंडे टू फ्राइडे हुआ तो ओपन, राइट। सब्जेक्ट इफ अंडरस्कोर 3 ब्रैकेट ओपन क्लोज, यहाँ पे सबसे पहले ये जो ऊपर हमने लिया हुआ है इसको पूरा एक बार ले लेते हैं, इफ जो है इफ को हटा देता हूँ कि इफ हमें अपने हिसाब से डालना है, और ए आर की जगह पे हमारा हो जाएगा एफ, यहाँ भी हो जाएगा हमारा एफ, क्योंकि हम एफ में एफ से वैल्यू उठा रहे हैं ना, और एफ की जगह पे हो जाएगा जी, बी की जगह पे जी, तो यहाँ पे कंडीशन देते हैं कि इफ एस इज इक्वल टू सैटरडे देन, अगर सैटरडे हुआ तो क्या करना है, अब यहाँ पे लॉन्ग नहीं होगा सर, यहाँ पे क्या होगा, स्ट्रिंग, यहाँ पे देंगे आर इक्वल टू एच डी, देखा हाफ डे, तो यहाँ पे एल्स इफ लगेगा, ठीक है ना, एल्स इफ, और हमने बोला कि यहाँ पे एस इक्वल टू संडे, संडे का एस बड़ा होगा क्योंकि तो केस सेंसिटिव होता है, देन आर इक्वल टू ऑफ, और फिर अगेन एल्स देंगे आर इक्वल टू ओपन, यहाँ पे एंड इफ, ठीक है? Right. समझ गए? हाँ।
ऐसे में सर आपको है? तो ये हमारा समझ में और आ गया का सर पार्ट हो गया। जी किसका जी पार्ट हो गया? और का, क्योंकि इसमें अगर एक कंडीशन फुल हुआ तो दूसरे कंडीशन को करने की जरूरत नहीं है। एक कंडीशन फुलफिल हुआ तो हमें दूसरे कंडीशन की जरूरत नहीं है। परफेक्ट। समझ गए? हाँ आगे बढ़े। हाँ श्योर सर। अब इसमें थोड़ा सा इसको कॉम्प्लिकेट करते हैं। मान लीजिए यहाँ पे नेम है और यहाँ पे सब्जेक्ट है, कि किसी सब्जेक्ट की एक एग्जाम दिया गया है। चार सब्जेक्ट मान लीजिए है यहाँ पे, और यहाँ पे नेम कर देते हैं और यहाँ पे हम रिजल्ट दे देते हैं। अब जिसने भी चारों सब्जेक्ट में ग्रेटर देन 33 आया है उसी को हमें करना है रिजल्ट में पास, अदरवाइज करते फेल करना है। ठीक है, क्लियर है? Yeah. अब ध्यान से देखिए, क्योंकि इस पे आपको एक क्वेश्चन भी कर देने वाला हूं जो को रिसर्च करने है आपको। ठीक है, तो सब्जेक्ट नंबर इफ नंबर 5 ओपन क्लोज। अब यहां पे मैं करता हूं कि अब यहां पे डिम एस में 1, 2, 4 कर दिया एज ए लॉ। अब यहां पे लगाता हूं फॉर्मूला 4i = चले 2 to रेंज, या फिर यहाँ पे फिलहाल 9 कर देता हूं। आप इसको ऑटोमेट कर लीजिएगा अपने हिसाब से। नेक्स्ट आई, उसके बाद यहाँ पे s1 = रेंज बी एस एन आई डॉट वैल। ठीक है, पेस्ट पेस्ट पेस्ट, 4 है यहाँ पे, 2 कर दिया यहाँ पे, 3 4, और बी के जगह पे हम करेंगे यहां पे सी डी एंड ई। ठीक है, अब मान लीजिए मुझे एंड से करना है तो सिंपल इफ एंड, और सीधे यहां पर देंगे हम s_1, और यहां पे मैं एरे यूज किया है सर, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 30, फिर अगेन एंड s2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 30 एंड s3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 30। अगेन एंड s4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 30 then एंड यहाँ पहले नहीं लगेगा बाद में लगेगा, then हमने यहाँ पे लिखा रेंज ए एफ होगा, एफ के साथ हमने आई लिया और किया डॉट वैल्यू इक्वल टू पास, और फिर एल्स इसी को लिया कॉपी और किया फेल और एंड इफ कर दिया यहाँ पे। ठीक है सर, अब देखिए रन करते ही रिजल्ट आ गया पास पे, लेकिन मुझे इसमें बताना है कि भैया किस सब्जेक्ट में फेल हुआ। सब्जेक्ट 1 फेल, सब्जेक्ट 2 फेल, सब्जेक्ट 6 फेल, तो हम इसी कोड को यहाँ पेस्ट करेंगे और यहाँ 5 के जगह पे हम कर देंगे 6, और ये बाकी सबसे बिल्कुल सेम रहेगा, बस यहीं पे इसको जो हटा लेंगे और हम एक और यहाँ पे जो है, अच्छा इसमें लॉन्ग हो गया। अब यहाँ पे एक और हम स्ट्रिंग ले लेंगे कि डिम आर एज ए स्ट्रिंग, राइट, और यहाँ कंडीशन देंगे कि इफ एस पे एस की वैल्यू 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू
थर्टी है देन, अगर नहीं है तो एल्स, यहाँ पे हम लगाएंगे एल्स आर इक्वल टू सब्जेक्ट वन फेल, समझ गए सर? अब इसी के अंदर हम दूसरा इफ लगाते हैं थोड़ा सा आगे करके, इफ एस अंडरस्कोर टू इज ग्रेटर देन इक्वल टू थर्टी देन, स्पेलिंग मिस्टेक हो जाता है, देन एल्स लगाएंगे पहले यहाँ पे, एल्स आर इक्वल टू सब्जेक्ट सब्जेक्ट टू फेल, क्योंकि यहाँ फेल होने के चांसेस दो बार है ना सर, और यहाँ पे एंड दो सब्जेक्ट हमने चेक कर लिया, सो यहाँ पे होना चाहिए, इस तरह से करेंगे तो क्या होगा पता चलेगा कौन सा इफ, जैसे ए इसके नीचे ए आर एल्स आर है तो इसका पार्ट है, इसके नीचे आया तो इसका पार्ट है, समझ गए सर? हाँ समझ गए सर, एक ही लाइन में नहीं डाल जा सकते, नहीं डाल सकते हैं लेकिन तो आगे चल के दिक्कत होगी समझने में, क्योंकि अभी तो दो चार इफ है चलो, लेकिन बहुत केसेस में क्या होता है 10-15 इफ होता है, समझ गए ना? एल्स सब्जेक्ट यहाँ पे आर इक्वल टू सब्जेक्ट थ्री फेल और यहाँ पे एंड, फिर एक और यहाँ पे एक और इफ लगाते हैं, इफ सब्जेक्ट फोर इज ग्रेटर इक्वल टू थर्टी देन आर इक्वल टू पास और एल्स आर इक्वल टू सब्जेक्ट फोर फेल और देन एंड इफ, एंड इफ, ठीक है सर? अब इसको मैं यहां से रन करूं तो आप एक मिनट, अच्छा इस पे नेक्स्ट नहीं डाला हमने, नेक्स्ट आई और एक मिनट रेंज एफ के साथ हम आई करेंगे डॉट वैल, तो क्या हो रहा है ठीक है सर? राइट, समझ में आया आपको कि नहीं? हाँ ये इजी था सर। ओके, अब इसमें आपको क्या रिसर्च करना है, अभी आप यहाँ देख पा रहे हैं कि जैसे इसमें देखिए एक सब्जेक्ट फेल है, यहाँ दो सब्जेक्ट फेल है, लेकिन सो एक ही सब्जेक्ट कर रहा है, अब आपको कॉमा यहाँ पे ऐसा चाहिए कि कॉमा करके बता दे कि सब्जेक्ट टू भी फेल है, सब्जेक्ट वन और सब्जेक्ट टू फेल, यहाँ पे कॉमा करके दिखा दे, सब्जेक्ट फोर है ना, सब्जेक्ट फोर इस तरह से। अब इस कोड के अंदर क्या एडिट करोगे, किस तरह के लिखोगे, ये आपको तय